वेरी गुड मॉर्निंग. टुडे वी विल डिस्कस चॉपर. प्रीवियस लेक्चर में हम चॉपर के बारे में डिस्कस कर चुके हैं और चॉपर के बारे में हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन, उसका जो हमारे डिफरेंट टाइप्स हैं, फिर हमने जो डिफरेंट टाइप्स हैं कौन कौन से होते हैं वो हमने पढ़ा, फिर हमने प्रिंसिपल ऑफ चॉपर पढ़ा कि हमारा कैसे ऑपरेशन होता है. बेसिकली हमने इसमें स्टेप डाउन चॉपर को स्टडी किया था और फिर कंट्रोल स्ट्रेटजीज हमने पढ़ी कि पल्स मॉड्यूलेशन और वेरिएबल फ्रीक्वेंसी दोनों के बारे में पढ़ा था. फिर हमने पढ़ना था स्टेप अप चॉपर. ठीक है, सो टुडे वी विल स्टार्ट विद स्टेप अप चॉपर. तो स्टेप अप चॉपर कैसे काम करता है, कैसे फंक्शन करता है, जैसे हमें पता है कि वी नॉट हमारा ग्रेटर देन वी एस होगा, तो वी नॉट हमारा ग्रेटर देन वी एस होगा दैट इज देयर इज समथिंग विच इज प्रोड्यूसिंग द वोल्टेज अक्रॉस द लोड ग्रेटर देन अप्लाइड वोल्टेज. ठीक है, चलिए देखते हैं. सो यहाँ पर हमने जो सर्किट यूज़ किया है वहाँ पे एक इंडक्टर है हमारे पास, हमारे पास एक इंडक्टर है. ठीक है, वी हैव इंडक्टर. इंडक्टर है हमारे पास, डायोड है, लोड है, चॉपर स्विच है और सोर्स वोल्टेज है. ठीक है, दिस इज ऑपरेशन ऑफ मोड वन एंड दिस इज द ऑपरेशन ऑफ मोड टू. मोड वन मोड टू इसलिए बोले जो हमारा एक बार चॉपर सर्किट ऑन होगा, एक बार चॉपर सर्किट हमारा ऑफ होगा. तो चॉपर सर्किट हमारा शट ऑन होगा तो उस केस में हमारी करंट कुछ होगी और वोल्टेज हमारा कुछ होगा. ठीक है, देन जब हम मोड टू में ऑपरेट करेंगे, जब ये ओपन होगा तो हमारी करंट कुछ होगी, वोल्टेज हमारा कुछ होगा अक्रॉस द लोड. सो टू, चलिए स्टार्ट करते हैं मोड वन. मोड वन में हम क्या करेंगे, चॉपर सर्किट को क्लोज करेंगे. जब क्लोज करेंगे तो हमारी जो करंट का पाथ है वो मिनिमम रेजिस्टेंस पाथ को फॉलो करता है. तो हमारा ये वाला पाथ जो मिनिमम रेजिस्टेंस ऑफर करेगा उधर से आपकी मैक्सिमम करंट फ्लो हो जाएगी और डायोड जो कि आपका उसके थ्रू हमारी एक स्मॉल करंट जाएगी. ठीक है, तो इस केस में आपकी जो करंट है वो अक्रॉस द इंडक्टर विल राइज ग्रेजुअली, क्योंकि इंडक्टर है इसलिए उसकी प्रॉपर्टी है कि एनर्जी स्टोर करता है, तो करंट उसके अक्रॉस हमारे स्लो रेट से बढ़ता है. ठीक है, तो चढ़ेगा. देन वी विल ओपन द चॉपर सर्किट. तो जब ने चॉपर सर्किट को ओपन किया है, इस ड्यूरेशन आपके कंडक्टर इंडक्टर ने एनर्जी कुछ स्टोर करी थी यहाँ पे, तो अब इंडक्टर क्या करेगा, सोर्स वोल्टेज के साथ कुछ एनर्जी रिलीज करेगा. ठीक है, तो व्हाट विल हैपन इन दैट केस, इन दिस केस, तो इस केस में हमारा क्या होगा, जो हमारा सोर्स वोल्टेज है वो तो इसके क्रॉस अप्लाई होगा प्लस हमें LdIdt यहाँ पर और मिलेगा. ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो आपका वी नॉट है इट विल बी इक्वल टू, सॉरी, द वी नॉट इज इक्वल टू वी एस प्लस एल डी आई बाय डी टी. ओके, वी एस विल बी, वी नॉट विल बी वी एस प्लस एल डी आई बाय डी टी, हमें ये मिलेगा. अब जिस इस केस में हमारे क्या है, इंडक्टर एनर्जी रिलीज कर रहा है तो करंट आपकी देखिए ग्रेजुअली डिक्रीज हो रही है, फिर वापस से जब ऑन करेंगे तो इंक्रीज होगा. यानी कि जब चॉपर सर्किट हमारा ऑन है तो आपकी एनर्जी स्टोर होगी इंडक्टर में, और जब ऑफ है तो एनर्जी रिलीज होगी क्रॉस द लोड एंड वी विल गेट द आउटपुट. चलिए, मतलब जो एनर्जी स्टोर है वही एनर्जी क्या हो रही, रिलीज हो रही. तो हम अगर हमें वी नॉट ऑब्टेन करना है तो हमें एनर्जी स्टोर इज इक्वल टू एनर्जी रिलीज वो करना पड़ेगा. तो वेरी फर्स्ट वी विल ट्राई टू फाइंड आउट द वी डब्ल्यू इन. तो डब्ल्यू इन हमें कहाँ मिलेगा, टी ऑन के पीरियड में, और डब्ल्यू ऑफ यानी कि एनर्जी रिलीज वो हमें कहाँ मिलेगा, टी ऑफ के पीरियड में. ठीक है, तो दोनों ही टाइम पीरियड्स में हम लोग एनर्जी फाइंड आउट करते हैं. ठीक है, तो हमारा यहाँ पे फॉर्मूला होगा डब्ल्यू इन इज इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस एल दैट इज वी एस. ठीक है, एवरेज करंट, एवरेज करंट का मतलब क्या होगा, हमारे यहाँ पे एवरेज करंट विल बी, यहाँ पे आई वन है, यहाँ पे हमारी आई टू है, तो दोनों का हम लोग एवरेज आई वन प्लस आई टू बाई टू. ठीक है, हम ले लेंगे. और हमारा जो ऑन पीरियड है वो क्या है, टी ऑन, हमने यहाँ पे लिया हुआ है टी ऑन. ठीक है,
तो इस तरीके से हमारी क्या हो जाएगी, ये एनर्जी स्टोर्ड ड्यूरिंग द ऑन साइकिल या ड्यूरिंग द टी ऑन, ये हमारी एनर्जी स्टोर हो जाएगा ऑन ऑन टाइम में, ठीक है, सॉरी। फिर एनर्जी रिलीज्ड, तो एनर्जी रिलीज कब होगी, टी ऑफ में, तो टी ऑफ में देखिए यहाँ पे I2 से I1 की तरफ आपकी क्या हो रही, करंट घट रही है और उस समय हमें वोल्टेज क्या क्या मिल रहा है, V नॉट इज इक्वल टू वी एस प्लस एल डी आई बाई डी टी मिल रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, तो V नॉट माइनस क्या हो जाएगा, वी एस, हमें जो आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है यानी कि वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर क्या हो जाएगा, V नॉट माइनस वी एस, ठीक है, और आपका I1 प्लस I2 बाई टू इंटू टी ऑफ। अब इन दोनों इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, इक्वेट कर लेंगे, क्योंकि एनर्जी स्टोर्ड बरा इज इक्वल टू एनर्जी रिलीज्ड, और वहाँ से हमें एक फार्मूला मिल जाएगा, ये इस बेसिकली आपका फॉर्मूला ये है, वी नॉट इज इक्वल टू वी एस इंटू वन अपॉन वन माइनस एल्फा, ये आपका फार्मूला हो जाएगा। अब यहाँ पे हम एल्फा की वैल्यू वेरी करा के, हमें वी एस तो हमेशा मिलेगा मिलेगा, अगर एल्फा की वैल्यू हमारी कुछ भी है तो उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे वी एस इंटू, और हमें जो आउटपुट मिलेगा वो हमेशा क्या होगा, वन से ज़्यादा मिलेगा, ठीक है, तो वन से जब ज़्यादा मिलेगा तो आपका जो आउटपुट होगा वो हमेशा ज़्यादा होगा वी एस से। तो ये हो गया हमारा स्टेप अप चॉपर। अब बात करते हैं हम लोग क्लास ए या टाइप ए चॉपर की, ठीक है, क्लास ए या टाइप ए चॉपर की। क्लास ए और टाइप या टाइप ए चॉपर आपका क्या है, देखिए आपको अगर सर्किट याद आ रहा हो तो हमारा ये सर्किट ऑलमोस्ट हमारा है स्टेप डाउन चॉपर जैसा। अब यहाँ पर हम लोगों ने प्रीवियस में कुछ बात करी थी कि आपकी जो कोऑर्डिनेट ऑपरेशंस हैं, ठीक है, वो क्या क्या होते हैं। तो सपोज़ ये हमारा आई नॉड है, ये हमारा वी नॉड है, तो ये हमारा माइनस आई नॉड हो जाएगा, ये हमारा माइनस वी नॉड हो जाएगा, ठीक है। तो जब दोनों के दोनों पॉजिटिव होंगे करंट एंड वोल्टेज, तो मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, जब वोल्टेज पॉजिटिव करंट नेगेटिव सेकंड क्वाड्रेंट में, जब दोनों ही नेगेटिव हों तो थर्ड क्वाड्रेंट में, जब हमारा वोल्टेज नेगेटिव और करंट पॉजिटिव हो तो फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो इसको हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट चॉपर बोलते हैं, टाइप ए चॉपर को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट चॉपर। अब यहाँ पर देखिए, जब भी हम चॉपर सर्किट का स्विच क्लोज करेंगे तो हमारी करंट फ्लो कर जाएगी लाइक दिस, ठीक है, जब हमारी करंट फ्लो करेगी तो हमारा लोड के क्रॉस वोल्टेज अपीयर होगा। अब करंट जो एंटर कर रही है वो अगर हम इस पॉइंट को ए, इसको बी माने, तो ए टू बी हमारी करंट फ्लो कर रही है और जो वोल्टेज है वो क्या हो रहा है, इधर प्लस इधर माइनस, तो विद रिस्पेक्ट टू दिस इट इज़ पॉजिटिव, तो आपका वी नॉट और आई नॉट क्या होगा, पॉजिटिव है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि आपका जब चॉपर सर्किट ओपन होगा, सपोज इट इज़ अ डी सी लोड, तो आपका एक इंडक्टेंस होगा जिसकी वजह से आपका जो करंट है इस तरीके से लोड के थ्रू एफ टी फ्री व्हीलिंग डायोड के थ्रू फ्लो करेगा। तो इन बोथ द केसेस इट विल बी करंट पॉजिटिव एंड वोल्टेज पॉजिटिव, तो इसको हम बोलेंगे क्या, फर्स्ट क्वाड्रेंट चॉपर, और इस चॉपर को हम लोग स्टेप डाउन चॉपर भी बोलते हैं। नेक्स्ट इज आवर इट इज इट शुड बी क्लास बी और टाइप बी चॉपर, ठीक है, तो क्लास बी हमारा चॉपर होना चाहिए। अब क्लास बी चॉपर हमारा क्या है, या टाइप बी चॉपर क्या है, टाइप बी चॉपर हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट चॉपर है, जिसको हम बोलते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट चॉपर। सेकेंड क्वाड्रेंट है कैसे ये, ठीक है, पहले वही देखते हैं। तो यहाँ पर हमें इनिशियली कुछ चीज़ें माननी पड़ेंगी कि हमारा लोड जो है वो उसके अक्रॉस डी सी सोर्स ई अवेलेबल है और बैटरी ये हमारा इसमें लगा हुआ है और इंडक्टर ने कुछ एनर्जी स्टोर करी है। मींस अगर हमने पहले मोटर को रन कराया है तो क्या करेगी, वो फॉरवर्ड मोटरिंग करेगी यानी कि क्वाड्रेंट वन में। फिर हमें अगर मोटर को स्टॉप करना है तो क्या करना पड़ेगा, उस पर ब्रेक लगाना पड़ेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, उसकी फॉरवर्ड ब्रेकिंग करेंगे। तो क्वाड्रेंट टू में हम क्या करें, मोटर को स्टॉप करने की कोशिश करें, तो जब स्टॉप करेंगे तो उसके अक्रॉस हमारा कुछ बैक ईएमएफ होगा और इंडक्टर जो मोटर का है वो तो प्रेजेंट हो गई होगा, तो उसकी वजह से हमारा क्या होगा, यहाँ पर जब भी हम चॉपर सर्किट को ऑन करेंगे, ठीक है, तो वी नॉट हमारा क्या हो जाएगा, इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है, क्योंकि हमारा सोर्स लोड से कनेक्टेड नहीं है, ठीक है, तो हमारा आपकी एक ऐसी करंट चॉपर के अक्रॉस फ्लो कर जाएगी, ठीक है, तो वी नॉट हमारा ज़ीरो हो जाएगा। और
ई जो है कैपिटल ई जिसको हम लोग बैकिंग में भी कहते हैं ड्राइव्स करंट थ्रू द इंडक्टर एल एंड सी एच टू, ऐसी आपकी करंट फ्लो करेगी। ठीक है, अब जब इंडक्टर एनर्जी रिलीज करेगा तो वहाँ पर आपका ई तो है ही है और बैक ई एम एफ आपका ऑलमोस्ट इक्वल टू वी एस होता है। अब एल डी आई बाई डी टी भी है तो ई प्लस एल डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू वॉट, ग्रेटर देन वी एस। और जब भी ग्रेटर देन वी एस हो जाएगा तो इंडक्टर, जब हम चॉपर सर्किट को ओपन करेंगे तो इंडक्टर एनर्जी जब रिलीज करेगा तो आपका ये तो बेसिकली है लोड, बट करंट आपकी इधर से इधर की तरफ फ्लो करेगी, मीन्स लोड से सोर्स की तरफ हमारी करंट जाएगी, जिसको हम लोग बोलते हैं रीजनरेटिव ब्रेकिंग या फॉरवर्ड ब्रेकिंग। ठीक है, तो इस केस में हमें क्या हो जाए, एनर्जी लोड एनर्जी क्या करता है, रिलीज़ करता है, और जब एनर्जी रिलीज़ करता है तो हमारा ये थोड़ा बेनिफिशियल होता है, इसको हम लोग स्टोर भी कर सकते हैं डीसी के केस में। ठीक है, डीसी केस में हमारा है। ठीक है, तो आपका यहाँ पर क्या हो गया, तो वी नॉट हो गया, वो क्या हो गया, ये ई प्लस एल डी आई बाई डी टी जो कि आपका क्या है, वी एस से ज़्यादा है, इसलिए हम लोग टाइप बी चॉपर को स्टेप अप चॉपर भी बोलते हैं। ठीक है, अब वी नॉट आपका पॉजिटिव है क्योंकि आपकी करंट लोड से सोर्स की तरफ जा रही, तो आई नॉट क्या होगी भाई, पहले आपकी करंट ये आ रही थी, आई नॉट आपकी ये थी, अब आपकी आई नॉट क्या है, लोड से एनर्जी वापस फीडबैक हो रही है, यानी फीड हो रही है वापस सोर्स में, तो आपकी करंट क्या हो जाएगी, नेगेटिव। जब वोल्टेज पॉजिटिव और करंट नेगेटिव तो कोऑर्डिनेट सेकेंड, ये हमारा ऑपरेशन होगा टाइप बी चॉपर का। ठीक है, यहाँ पर आपको कुछ वेवफॉर्म्स के जरिए समझाया गया है, तो आपका ड्यूरिंग टी ऑन जब आपका डी कंडक्ट करता है, ठीक है, फिर ड्यूरिंग सॉरी टी ऑफ आपका डी कंडक्ट करता है, टी ऑफ में आपका डी कंडक्ट करेगा, और जब इसको टी ऑन करेंगे तो आपका सी एच काम करेगा, चॉपर काम करेगा, इसमें आपकी एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी स्टोर होती है। ठीक है, सो दिस वॉज द अबाउट टाइप बी चॉपर या आपका स्टेप अप।